वेलकम बैक टू माय चैनल नोमेडिक राहुल। और मैं आज आपको लिए चल रहा हूँ इतिहास को समेटे रोहतास की खूबसूरत वादियों में। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर रोहतास के 10 ऐसे प्लेसेज हैं जो आपके मन मोह लेने वाले हैं। रोहतास में तो ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर आप जाकर पिकनिक या फिर घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस सभी में से 10 ऐसे चुनिंदा टूरिस्ट स्पॉट को चुना है जहां पर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये, जो शायद आपने देखा होगा या ना देखा होगा। तो आइए हम दिखाते हैं। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी बिहार और बिहार से रिलेटेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रोहतास के बारे में कुछ बता दूं आपको, क्योंकि रोहतास जो है वो अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास के पन्नों में इसका बहुत सारा जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के जो बेटे थे रोहितासवा, उनके किला से लेके सिरसा सूरी का मकबरा और माँ तुतला भवानी तक आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको लिए चलते हैं रोहतास के खूबसूरत 10 ऐसे डेस्टिनेशन पे। तो पहले नंबर पे है रोहतासगढ़। और रोहतासगढ़ जिला मुख्यालय सासाराम से 100 किलोमीटर और डिहरी ओनसोन से ये 80 किलोमीटर है। आप डिहरी ओनसोन से 60 किलोमीटर अकबरपुर है, और वहां से आप चाहें तो ऊपर अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं या फिर पहाड़ के नीचे से आप ट्रैक करके भी किला तक पहुंच सकते हैं आसानी से। ये किला अगर आप निजी वाहन से अकबरपुर से जाते हैं तो 30 किलोमीटर है, अगर आप ट्रैक करके जाते हैं तो ये 12 किलोमीटर है। लेकिन इसकी ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, रास्ता नहीं होने के वजह से आपको बहुत कठिनाई होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी जाएं तो आप अपने गाड़ी से ही जाएं। यह किला लाल बलुआही पत्थरों से बनाया गया है और इतिहास इसकी बहुत ही पुरानी है। राजा हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे रोहितासवा, उन्होंने इस किला की निर्माण करवाई थी। और इस किला के जो कुल क्षेत्रफल है वो 45 किलोमीटर के अंदर में है ये, और समुद्र तल से ये 6000 फीट ऊपर है। इस किला का रखरखाव न होने की वजह से ये जर्जरता की ओर अपने बढ़ रहा है। और हमें इस किला को देखने के बाद आपको एक अद्भुत सा फीलिंग होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ और बीच में ये किला है। इस किले की खासियत एक और है कि आपको इसके टॉप से झारखंड के पलामू जिला और बिहार के अकबरपुर दिखता है। इस किले के पास में गणेश मंदिर, स्वर्ण द्वार, फांसी घर और चौरासन मंदिर है। तो आइए वहाँ चलते हैं। यह गणेश मंदिर है और किले से 300 मीटर के दूरी पर है स्वर्ण द्वार की तरफ। इसके निर्माण जो है वो राजा मानसिंह ने करवाया था और यह 1200 ईस्वी के आसपास का है। तो ये मंदिर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, आपको देखने के बाद लगेगा कि ये प्राचीन और ऐतिहासिक है। तो ये फांसी घर है, और ऐसा कहते हैं कि राजा के यहाँ जो भी गलती करता था उनको यहीं पर फांसी दिया जाता था और यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। तो फांसी घर जो है वो जमीन के अंदर दब चुका है, लेकिन एक रास्ता है उसके अंदर जाने के लिए, तो हम लोग अभी नहीं जाएं। आइए आगे चलते हैं। यह चौरासन मंदिर है, यह रोहतासगढ़ किला से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति स्थापित किया गया है। यह मंदिर इसलिए भी प्राचीन है क्योंकि यहाँ पर 84 सीढ़ी है, इसलिए इसका नाम चौरासन है। यह तुतला भवानी है, इसे हम तुतला धाम या तुतराही देवी के नाम से भी जानते हैं। यह जिला मुख्यालय सासाराम से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप अपने निजी वाहन या टेम्पो ट्रेवलर से आ सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती और लोगों की दिलचस्पी देखते हुए इसे 2018 में इको टूरिज्म घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर या
पर्यटकों के लिए काफी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ दो पहाड़ों से गिरता हुआ झरना और जस्ट झरने के बगल में माँ तुतला का मंदिर मन मोह लेने वाला है। यहाँ लोहे की तार और लकड़ी का बना हुआ एक लचकीला पुल भी है जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे सिरसा फिरोजा, जो सासाराम शहर के बीचों बीच में स्थित है। यह रोजा 1545 ईस्वी में बनाया गया था और इंडो अफगान आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। ये इस रोजा के गुंबदनुमा ऊंचाई ताजमहल से भी ऊंचा है। यह चारों तरफ से घिरे हुए पानी के बीचों बीच में स्थित है, जहां पर आपको एंट्री के लिए 20 रुपए देने पड़ेंगे। आपको यहां पे बेहतरीन व्यवस्था मिल जाएगी देखने के लिए, पार्किंग से लेके हर एक चीजें। यहां पे बहुत सारे गाइड भी हैं, तो आप यहां पर आकर गाइड कर सकते हैं किसी और करीब से जानने और देखने के लिए। इसे हर साल लाखों की संख्या में पर्यटन देखने आते हैं, इसलिए इसे बिहार के पर्यटन केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पार्क है जहाँ आप घूम सकते हैं। नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे सूखा रोजा के बारे में, जो पानी रोजा से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं शेरशाह सूरी के जो पिता थे हसन खान सूरी, उनकी मकबरा है ये। यहाँ पर कोई टिकट वगैरह नहीं है, हमेशा ये खुला रहता है और रखरखाव ना होने की वजह से ये अपने जर्जरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसा कहते हैं सूखा रोजा के अंदर बहुत सारी रहस्य जो है वो अभी भी मौजूद है, तो आप एक बार यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। ये भी काफी खूबसूरत रोजा है। यह माजरकुंड वाटरफॉल है। यह रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले माँ तारा चंडी के धाम पहुँचना पड़ेगा। माँ तारा चंडी से जस्ट बगल में ही एक रास्ता गया है, वो माजरकुंड चला जाता है। ऐसा कहते हैं यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक रात बिताया था, तब से इस कुंड की प्रचलन है। इस कुंड की एक और खास बात है कि यहाँ के पानी पीने के बाद आपको तुरंत भूख लग जाता है, चाहे आप कितना भी खाए हों। यहाँ आने का सबसे उत्तम समय जो है वो बरसात का है। यहाँ पर बरसात के दिनों में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि उस समय कुंड अपने चरम सीमा पर होता है। यहाँ पर सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं, कोई टिकट वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। तो मैं तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने की वजह से रोहतास के जो भी डेस्टिनेशन बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सभी देखना और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिलीज और रिलेटिव्स को शेयर करना, ताकि बिहार और बिहार की खूबसूरती दिख सके। आपको ये वीडियो देखकर एक बार जरूर लगे कि मुझे रोहतास विजिट करना चाहिए, तो आपको जब भी आने का मन करे आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं सारा कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगा यहाँ पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।